नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की मुश्किलें अब बढ़ सकती। संदेशरा घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके घर पहुंची। ईडी ने पटेल को इस मामले में पूछताछ के लिए दो बार तलब किया था, लेकिन गुजरात से राज्यसभा के सदस्य पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह देने वाले कोविड-19 वैश्विक महामारी के दिशा निर्देशों का हवाला दिया, जिसके बाद ईडी की टीम शनिवार को उनके घर पहुंची। अब सवाल उठता है कि आखिर ये संदेशरा स्कैम है क्या? प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक ये घोटाला पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से भी बड़ा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी लिमिटेड और संदेशरा ग्रुप के मेन प्रमोटर नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने फर्जी कंपनियां बनाकर कई बैंकों को करीब 14,500 करोड़ का चूना लगाया। पिछले साल ईडी ने इस मामले की जांच के तहत स्टर्लिंग बायोटेक की 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। इसमें नाइजीरिया में तेल रिग पोत, एक कारोबारी विमान और लंदन में एक आलिशान फ्लैट शामिल। इसी घोटाले के तहत अहमद पटेल से पूछताछ की जा रही। इसी साल फरवरी में अहमद पटेल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और मामले में समन जारी किया था। पटेल को 400 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन मामले में ये नोटिस जारी कर पेश होने का आदेश दिया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग कंपनियों द्वारा भेजे गए हवाला ट्रांजैक्शन की जांच कर रहा है। आरोप है कि हवाला की रकम कांग्रेस के खातों में भी आया था।